जय माता की। मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अभी मैं माननीय राजीव प्रताप रूड़ी जी, जो भाजपा के वर्तमान में सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। पूर्व सांसद माननीय पप्पू यादव के विषय में, उनके चाल चरित्र के विषय में पूरा चिट्ठा वो प्रेस वार्ता में रख रहे थे। बड़े ध्यान से देख रहा था मैं, और साथ साथ में उन्होंने अपने चरित्र के बारे में भी काफी अच्छी टिप्पणी की, बेदाग अपने आप को बताने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि आप बेदाग हैं, थोड़ा सा लेकिन बेदाग आदमी एक दागी व्यक्ति के नेतृत्व में कैसे उस पार्टी में रह सकता है, यह प्रश्न है मेरा। आप जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति दागी नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, क्या वो बेदाग हैं? या गुजरात के दंगों का उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला था? जिनके नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री, क्या वो तरी पार नहीं है? इन सब चीजों पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालते तो ज्यादा बेहतर रहता माननीय राजीव प्रताप रूड़ी जी। 32 मुकदमों का आपने जिगर किया है। बगल में ही आपके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के मुख्यमंत्री, जरा इनके चाल चरित्र के बारे में भी और इनपे कौन कौन से आपराधिक मुकदमे चले थे, इनपे भी प्रकाश डाल लेते, कितना अच्छा रहता। जानते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, कभी निर्वाचन आयोग के पर्चे में यह नहीं भरा कि मैं शादीशुदा व्यक्ति हूं। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब ये लोकसभा के चुनाव के पर्चे में भरा है कि मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूं। जब मीडिया ने छानबीन की तो ऐसे 420 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको काम करना स्वीकार है? 1.5 महीने तक गुजरात का दंगा चला था और यही प्रधानमंत्री जो अभी है, उस टाइम में गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर तमाशा देखता था, जैसे आज भारत का तमाशा देखता है लाशों का। थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश आप डालते माननीय प्रताप रूड़ी जी तो कितना बेहतर होता। एक गुजरात में लड़की की जासूसी कराने का काम करते थे श्रीमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, क्या याद नहीं है? इनके नेतृत्व में आपको काम करना अच्छा लग रहा है? आप तो बेदाग है, मैं इसलिए बातें कह रहा हूं। छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, किसी अच्छे पार्टी में अच्छे नेता हैं आप, अच्छे छवि है, तो आप निर्दलीय भी सांसद बन सकते हैं, बनते हैं, आपकी छवि है, आप छवि वाले व्यक्ति हैं, तो क्यों नहीं ऐसी पार्टी को लात मार के आप स्वयं लड़ सकते हैं चुनाव? हिंदुस्तान में जितने छठे से छठे आपराधिक मुकदमे वाले व्यक्ति, बंगाल याद है? बंगाल याद है? बंगाल याद है कि नहीं? चीट फंड घोटाला, मुकुल राय, क्या बेदाग व्यक्ति है? पूरे बंगाल को लूट के और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोद में बिठाया, बेदाग व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं, इस पे सफाई दीजिए। वो कर्नाटक का मुख्यमंत्री येदियुरप्पा,
बेदाग व्यक्ति है। और बिहार का सुशील कुमार मोदी बेदाग व्यक्ति है। सृजन घोटाला कहां हुआ था? विदेश में के बिहार में? इस पे थोड़ा प्रकाश डाल लेते, इस पे टिप्पणी कर लेते। मुजफ्फरपुर की बालिका गृह कांड, बहुत सारे नेताओं के नाम शामिल हैं, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाल लेते ना राजीव प्रताप रूडी जी। 32 बच्चियों का बलात्कार, इस पे तोता, ये जो चोंच है आपकी, इस पे नहीं, इस मुद्दे पे नहीं हिलेगी, इस पे भी हिलाओ ना। मधुबनी में बच्चियों के साथ बलात्कार, भागलपुर में, पटना में, इस पे जुबान नहीं खुलती, पार्टी बदनाम हो जाएगी ना। कमाल की है भाई घटिया राजनीतिक, कमाल की है आप लोग की घटिया राजनीतिक। अपनी पार्टी, आपकी पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में लाशें बिछ रही हैं, शमशान में जगह छोटा पड़ गया है। इस पे टिप्पणी नहीं करोगे राजीव प्रताप रूडी जी? इस पे भी टिप्पणी करो ना। आप ही के शासन काल में, आपके पार्टी के शासन काल में लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, इस पे कौन टिप्पणी करेगा? दवाई के बिना, एम्बुलेंस के बिना, ऑक्सीजन के बिना लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, इस पे टिप्पणी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मारने का काम आप और आपकी पार्टी करती है। कैसे बोलोगे? और बात रही केस मुकदमे की, तो सुनो राजीव प्रताप रूडी जी, 2 साल पहले मधुबनी कपिलेश्वर स्थान, पूरी गांव है ककरौल पंचायत में, एक लड़के की हत्या होती है और मुझे वहां के ग्रामीणों ने बुलाया था, मैं गया था, रोड जाम कर दिया था गांव वालों ने, मैंने मना किया लेकिन नहीं माने, मैं भी मजबूर होके उनके साथ धरना पे बैठना पड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता हूं, बैठना पड़ा। प्रशासन के ऊपर धोखे में उन्होंने पहले ही पथराव कर दिया था, मैंने इसका विरोध किया था। बदले में वहां पे प्रशासन ने 600 आदमियों पे मुकदमा दायर किया था, 600 आदमियों, 600 आदमी उस गांव की पॉपुलेशन नहीं है, पूरी गांव की। उसके अंदर मेरे ऊपर भी 14 मुकदमे लगाए थे, जो कि मैंने प्रशासन का साथ दिया था। लेकिन नियम है, कोई नेता पहुंच गया किसी कार्यक्रम में तो उस नेता के ऊपर मुकदमा हो जाएगा, यही है सिस्टम। 14 धाराएं लगाई हैं मेरे ऊपर, जिद में मैंने 2 साल बेल नहीं लिया था कि मुझे अंदर कर दो मैं यदि अपराधी हूं तो। लेकिन थाना रिक्वेस्ट 3 बारी किया कि आप बेल ले लीजिए, अब तो डाल दिए हैं नाम, क्या करें, तब मैं जाके बेल लिया हूं। इसी शख्स के ऊपर हरिजन एक्ट का भी मुकदमा चला था, सिर्फ 5,000 रुपए मैंने थानेदार को नहीं दिए थे, इसकी वजह से लिख दिया था। यह है प्रशासन का रोल, उसकी उच्च स्तरीय जांच हुई थी तब जाके वो हरिजन एक्ट टूटा था। नेता के ऊपर ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मुकदमे चल रहे हैं वो सब जेन्युइन ही होते हैं, नेता के ऊपर केस में उनको फंसाया नहीं जाता है ज्यादातर विपक्षी पार्टी के द्वारा। और ये भी मुकदमे जो मेरे ऊपर हुए हैं ये किसी और दूसरे के नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हुए हैं। और इसी साल में प्याज का मैंने विरोध किया था अभी विधानसभा चुनाव में, उसके 2 महीने बाद केस दर्ज हुआ मधुबनी में। किसके दबाव था? बीजेपी वालों का, कि क्यों नहीं धनेश्वर महतो के ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन किया, उसके ऊपर मुकदमा करो।
तो ये मुकदमे कराने का काम यदि किसी की सरकार में सबसे अधिक है तो आपकी सरकार में निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर फंसाने का काम आपकी सरकार करती है। दबा के करिए मुकदमे, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी आपकी पार्टी तो गंगा जल की तरफ पवित्र है, दूध की धुली हुई पार्टी है, बच्चा बच्चा जानता है। अब काठ की हंडिया जो है ना राजीव प्रताप रूडी जी, बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार में जल जाती है। और आप तो दो दो बार भारत की जनता को हंडिया को चढ़ा चुके हैं। आपकी पार्टी एक एक व्यक्ति समझ रहा है, एक एक व्यक्ति समझ रहा है अब राजनीति। और ये फेंकू राम की फेंक, तो इन सब चीजों से जो है जनता का कुछ नहीं होने वाला। माननीय पप्पू यादव ने क्या किया था नहीं किया था उसकी सजा वो जेल में भुगत चुका है। और यदि कोई मुकदमा है भी तो वो कोर्ट कचहरी का है, आपका नहीं है, आपका नेतृत्व नहीं है। वो आपको जेल में होना चाहिए था। यदि बिहार सरकार ईमानदार होती, राजीव प्रताप रूडी जी आपको एम्बुलेंस अपने दरवाजे के पास या पार्टी ऑफिस के पास रखने का क्या अधिकार है? है कोई अधिकार? आपको कोई अधिकार नहीं है रखने का। नजर आ रहा है कि आप लोग के नेतृत्व में क्या देश में काम हो रहा है, क्या जनता का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनने के अलावा, सांसद भवन बनने के अलावा कोई चीज नया निर्माण नहीं हुआ है। यही निर्माण हुआ है आपके शासनकाल में। और जनता को क्या दिया है? तो जनता को आप मौत बांट रहे हैं, वो मिल रहा है। जनता को आपकी पार्टी मौत बांट रही है, मिल रहा है जनता को। जिधर देखो हर गांव में मौत ही मौत। और तीसरे लहर की बात कह रहे हैं आप लोग, तो मैं समझ रहा हूं तीसरे लहर में हर घर से लाश उठाने वाले हैं आप लोग। लेकिन यह मत भूलिएगा, हो सकता है किसकी बारी कब आ जाए, किसने देखा। भाजपा के भी बहुत नेता जा चुके हैं जो विरोध में बोलते हैं, लेकिन आप तो अभी सरकार की तारीफ में बोल रहे हैं। एक पत्रकार आज तक का चाटुकारिता करता था बेचारे ने, दो चार बार सरकार की खिल्ली उड़ा दी, धज्जी उड़ा दी, तो पहुंचा दिया उसको भी ऊपर। यह है आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का रोल। खैर सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। देश की जनता का दिल दुखा रहे हो, सुखी नहीं रहोगे कोई। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।